क्या एज रोमन रेंस को हराकर बनने वाले मनी इन द बैंक में न्यू यूनिवर्सल चैंपियन जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गॉसपियंस कैसे आप सब लोग। आज दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कारनामा करके दिखा दिया है, जिससे हम काफी समय से उनसे परिचित भी है, यानी कि रिलीजिंग देयर ओन सुपरस्टार। तो 11 NXT टैलेंट्स को दोस्तों RW वालों ने निकाल फेंका है, जहां दोस्तों सबसे ऊपर जो नाम है वो है बॉलीवुड बॉयज का। तो जिंदर महाल के दोस्तों मित्र लोग अब डब्ल्यू का पार्ट नहीं होने वाले हैं, और ये दोस्तों काफी समय से NXT के अंदर दिखाई भी नहीं दे रहे थे। RW वालों ने इन्हें निकाल फेंका। यहाँ दोस्तों लिस्ट में बाकी के जो नाम है वो भी काफी ह्यूज है, जैसे कि फांडांगो, यानी कि हमारे टायलर ब्रीज, और जो हमारे फांडांगो है वो नहीं होने वाले WWE के अंदर। वहीं दोस्तों लिस्ट में आगे चला जाए तो एवर राइज है, अरिया है, उसके बाद किलियन डेन है जो कि निकी क्रॉस के पति है, उसका मरीना है। लिस्ट काफी लंबी, आप सारे नाम यहां पढ़ सकते हैं। आगे कर्ट, अगस्त रे, अटूरो, टोनीनीज, अटीनो है, ये सारे के सारे 200W वालों के द्वारा आज निकाल दिए गए हैं। हालांकि डिसीजन पहले ले लिया गया था, बट दोस्तों अब कंफर्मेशन हो चुकी है कि इन्हें भी निकाल दिया गया है, और रीजन वही है दोस्तों, बजट कट। अब देखते हैं इनका आगे क्या फ्यूचर रहता है। होप करते हैं दोस्तों हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स के साथ WWE ऐसा इन फ्यूचर बिल्कुल भी ना करे। हम चलते हैं आज की अपनी दिन की सेकंड बिगेस्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से, जिन्होंने टॉकिंग स्मैक में ये चीज कह दी कि एज लुटेरा है, उसने मुझसे मेरी अपॉर्चुनिटी छीनी है। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों टॉकिंग स्मैक में दिखाई दिए थे, जहां दोस्तों उन्होंने बहुत सी चीजें बोली है WWE वालों के खिलाफ। ये चीज बोले कि WWE वालों ने उनके साथ ज्यादती की है, और साथ ही साथ उन्होंने सेथ से प्रॉमिस किया था, यानी कि एडम पियर्स ने, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी जो दोस्तों लगन थी वो मट्टी में मिल चुकी है, और मौका मिल चुका है एज को। आगे वो ये चीज बोले कि एज कहां था रेसलमेनिया के बाद से, वो नहीं दिखाई दिया, वो 6 महीने गायब था, लेकिन मैं WWE के अंदर ही था, अपने घिसा रहा था, मैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस हूं, एज को मौका नहीं मिलना चाहिए था, उसने मुझसे मेरा मौका छीना है, आई डिजर्व दैट टाइटल शॉट, मुझे यूनिवर्सल चैंपियन होना चाहिए। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों यहां भड़के हैं एज और WWE मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि दोस्तों काफी ह्यूज थिंग है। आगे जाकर दोस्तों बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो कि हमें शॉक कर सकता है। एज वर्सेस सेथ रॉलिंस दोस्तों इससे पहले रूमर्ड भी था, बट गाइस कहीं ना कहीं WWE वालों ने इसकी नींव डालनी स्टार्ट कर दी है। बट मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि वाकई में दोस्तों सेथ रॉलिंस से उनका मौका छीना गया है। हालांकि एज वर्सेस रोमन रेंस एक बेटर मैच है, स्पीयर वर्सेस स्पीयर दोस्तों बेस्ट फॉर बिजनेस है, बट सेथ यहां वाकई में डिजर्व करते थे। आपका क्या कहना? चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े हो दोस्तों जिमी उसो के हील टर्न से। तो जहां एज का रिटर्न हो चुका है, वहीं दोस्तों बात की जाए जिमी की, तो जिमी को भी माना जा रहा था कि वो अपने भाई को धोखा देंगे, टर्न लेंगे, बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। डच मेंटल जो कि WWE के लिए पहले काम कर चुके हैं, उनके अनुसार जिमी उसो का जो टर्न है दोस्तों, जो धोखा है, जो दोस्तों बैटरी वाले, वो जानबूझकर रोका गया है, क्योंकि WWE जानती है इस वक्त अगर वो धोखा देते हैं रोमन रेंस को तो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। ये ज्यादा इम्पैक्टफुल तब होगा जब जनता फिर से आनी स्टार्ट होगी एरिनाज में। माना दोस्तों जुलाई के मिड तक आपको कोई भी हील टर्न या फिर कह लीजिए जिमी उसो की तरफ से बैटरियाल नहीं देखने को मिलेगा उनके भाई के ऊपर, जो कि ये चीज भी दर्शाता है कि अभी कुछ समय तक जिमी उसो अपने भाई को ही सपोर्ट करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज काफी ह्यूज है, और ये जुड़ी हुई दोस्तों बैकी लिंच के रिटर्न से। तो काफी ह्यूज अपडेट निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों बैकी लिंच का रिटर्न माना जा रहा है कि जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा, और समर स्लैम के अंदर दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है बैकी को फिर से। अब रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों बैकी का परफॉर्मेंस सेंटर और हेल इन अ सेल के अंदर दिखाई देना। तो हेल इन अ सेल के अंदर बात कर लेते हैं अभी से, ठीक है, एक हफ्ते पहले हमने दोस्तों हेल इन अ सेल देखा है, बताया जा रहा है हेल इन अ सेल के बैक स्टेज बैकी लिंच थी। अब क्यों थी, किस लिए थी, ये तो पता नहीं लग पाया, लेकिन उससे एक हफ्ते पहले दोस्तों उन्हें परफॉर्मेंस सेंटर में देखा गया था मशक्कत करते हुए। कुल मिलाकर दोस्तों यहां थिंग्स इस और इशारा कर रही है कि बैकी लिंच हमें वापसी करते हुए नजर आ सकती है समर स्लैम में। स्टेफनी मैकमैन ने दोस्तों समर स्लैम से रिलेटेड ये चीज भी कही थी, समर स्लैम इस साल का बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। तो यहां दोस्तों जो बड़ा शॉक है, सबसे बड़ा, वो महिलाओं में बैकी लिंच ही रहती है, और बैकी लिंच का रिटर्न दोस्तों यहां बड़े तरीके से हो चुका है रूमर्ड। चलते हैं दोस्तों आज अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों
दोस्तों एज वर्सेस रोमन रेंस से। तो फाइनली दोस्तों मैच 100% कंफर्म हो चुका है। किस तरीके से कंफर्म हुआ कि आफ्टर स्मैकडाउन दोस्तों हमें देखने को मिला ये कि एज जो है गुस्से में तमतमाए जाते हैं गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर, जहां फिर दोस्तों सीधे एंटर करते हैं एडम पियर्स एंड सोनिया डेविल के रूम में। वहां दोस्तों एडम पियर्स एंड सोनिया वही बात कर रहे थे यानी कि एज एंड रोमन की, कि गाइस एज ने गुस्से में ये चीज कह दी कि देख मुझे चाहिए रोमन रेंस के खिलाफ मैच, और मैं मांग नहीं पा रहा हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ, मुझे उसके खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच चाहिए, वो मैच चाहिए जो कि रेसलमेनिया में बनना चाहिए था, मुझे चाहिए वो मनी इन द बैंक के अंदर। जिस पर दोस्तों एडम पियर्स ने कहा यू गॉट दिस यानी कि तुम्हें ये मैच मिलता है। तो गाइस वालों ने 100% कंफर्म कर दिया है मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक के अंदर, जो कि दोस्तों 19 जुलाई का हम लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अब बात की जाए उस सवाल की जो कि मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कल से लेकर, और ये है क्या एज जीतने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप मनी इन द बैंक में। तो गाइस बात की जाए एज की, एज दोस्तों मादा रखते हैं रोमन रेंस को हराने का, क्योंकि दोस्तों एज अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं, वो ज्यादा साइकोटिक हो चुके हैं जब से दोस्तों हमने देखा है कि वो लौटे हैं। इस बार इस मैडाउन में जो उन्होंने रिटर्न किया उनकी आंखों में दोस्तों वो गुस्सा, वो दोस्तों बदले की भावना साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दोस्तों बात करूं हमारे एज की, एज दोस्तों काफी ह्यूज भी हो चुके हैं थोड़े से साइज में। बात की जाए मैच की तो गाइस मैच अपने आप में ह्यूज बनता है, क्योंकि स्पीयर वर्सेस स्पीयर काफी बड़ी बैटल रहेगी, पर दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ एज नहीं जीतने वाले। इसके पीछे का दोस्तों एक ह्यूज रीजन ये है दोस्तों कि गाइस जो मनी द बैंक पीपीबी है, हालांकि एज के नाम हमेशा से गिना तो जाता है, लेकिन इस वक्त दोस्तों रोमन रेंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिटरली दोस्तों उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है अपने टाइटल डिफेंड करने के। सबसे पहला तो ऑप्शन यही है कि उनका सबमिशन काफी ओपी है। सेकंड बिगेस्ट रीजन दोस्तों जिमी यूसो अब उनके साथ हो चुके हैं, और जैसे मैंने आपको बताया लंबे समय तक उनके साथ ही रहेंगे जब तक जनता नहीं भरती। थर्ड बिगेस्ट रीजन दोस्तों इसी वीडियो में मैंने आपको हल्का सा हिंट करके बता दिया, और वो है सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस ने दोस्तों बता दिया है कि एज जो है वो उनसे उनकी अपॉर्चुनिटी छीने, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपने भी देखा होगा स्मैकडाउन के अंदर जब वो एडम पियर्स के पास गए थे काफी फ्रस्ट्रेट थे, काफी दोस्तों इस पोजीशन में थे कि वो रो देंगे, वो अपॉर्चुनिटी के लिए काफी ज्यादा आतुर थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये दो तीन थिंग्स जो है वो एज के विपरीत काम करने वाली है। हालांकि इन फ्यूचर हो सकता है कि एज यूनिवर्सल चैंपियन बने, बट मुझे क्या लगता है कि मनी इन द बैंक वो पीपीवी नहीं होने वाला है जहां वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीन लेंगे रोमन रेंस से। अब गाइस हो तो कुछ भी सकता है, WWE है, WWE के अंदर दोस्तों हमने पास में बहुत बड़े बड़े शॉक देखे हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है, अब आपका ओपिनियन में देखना चाहूंगा, क्या एज जीतने वाले हैं या फिर रोमन रेंस, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी सी, पसंद आई इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपक है।